के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिल्पियों एवं अभियंताओं को दी बधाई, कहा देश के निर्माण में शिल्पियों की है महत्वपूर्ण भूमिका। 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार की शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लिया गुरु गोरखनाथ व महंत अवैधनाथ से आशीर्वाद। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद 18 को लखनऊ होंगे रवाना। अवैध संबंध में बाधक बन रहे सगे भाई की भाई ने की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आरोपी मौके से फरार। SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा मुकदमा दर्ज कर की जा रही है विधिक कार्रवाई। राजघाट थाना क्षेत्र से गायब हुए युवक का मिला शव, CO क्राइम परवीर सिंह ने बताया युवक का अपहरण कर किया गया था हत्या। मामला प्रेम प्रसंग का, आरोपी 2 अभियुक्त भी गिरफ्तार, मुख्य अभियुक्त ने भी कर ली है आत्महत्या। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा नल से घर घर जल पहुंचाएगी सरकार। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश, कहा सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाए अधिकारी। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 85वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित हुई संगोष्ठी, वक्ताओं ने जल है तो कल है विषय पर व्यक्त किए अपने विचार, कहा नए भारत के आधारशिला बनेगा जल, कड़े कानून बनाकर किया जाएगा जल का संचयन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के NC हॉस्टल में बहुप्रतीक्षित मेस का कुलपति ने किया उद्घाटन, कहा छात्रवासियों को भोजन बनाने में नहीं गंवाना पड़ेगा समय, दे सकते हैं पढ़ाई पर ज्यादा समय। SSP की अध्यक्षता में संपन्न हुई एंटी रोमियो ऑपरेशन गरल व CCTNS प्रभारियों की बैठक, कहा थाने की कार्य प्रणाली में लाएं और अधिक सुधार, रोमियो और अवैध शराब कारोबारियों पर रखें नजर। SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा बने टीचर, पढ़ाया ट्रेनिंग टीचरों को ट्रैफिक नियमों का पाठ, दिलाया ट्रैफिक नियमों का पालन और लोगों को जागरूक करने का संकल्प। पूर्वोत्तर रेलवे ने स्वच्छ भारत स्वच्छता पखवाड़ा के प्रथम दिन निकाली स्वच्छता प्रभात फेरी, अपर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने दिलाया स्वच्छता का शपथ। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में लाइफ स्पैन ह्यूमन डेवलपमेंट इमर्जिंग इश्यूज एवं चैलेंजेस विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई सम्पन्न।